क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्त या कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207430058। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि याकूतपुरा मादनापेट पीएस लिमिट से है, जहां पर कल जो है एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के होदेदार को पीटा गया। ये खबर रातों रात वायरल हो गई, बात उसके जो है मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। तफसीलात हम आपको बताते चले कि जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजिम भी गरीब इंसान होते हैं, जो यही ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपने परिवार को भी ये पालते हैं। ये एक मुलाजिम के पीछे कहीं लोग पलने वाले होते हैं, ये तो जो है अपनी जिम्मेदारी निभा हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए जो है मीटर रीडिंग करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग होने की वजह से उन लोग ने जो है उनसे बिल के पैसे भी पूछे तो वहां पर हंगामा हो गया। फिर बात उसके जो है घर वाले नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात को इतला देते हैं। शफात मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के होदेदार के ऊपर हाथ उठाते हैं, उसे पीट भी देते हैं। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर भी पीट देते हैं, फिर उनके साथ जो चमचे थे वो भी पीट देते हैं गरीब इंसान को। फिर बात उसके हंगामा हो जाता है, वो मुलाजिम जो है 100 डायल कर देता है। फिर 100 डायल करने के बाद सीधा पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जिसने इनको पीटा है उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर देती है। आज जो है वो कोर्ट में पेश हुए थे, क्योंकि पीएस में तो इनको नहीं छोड़ा गया था, सीधा कोर्ट को रिमांड किया गया था, लेकिन कोर्ट में जो है आज किसी तरह इनको बेल मिल जाती है, यानी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात को बेल भी मिल जाती है। तो बहरहाल गरीब इंसान के ऊपर इस तरह तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। वैसे भी जो है हमारे ओल्ड सिटी को लोग कुछ अलग निगाह से देखते हैं, हम ओल्ड सिटी वालों को भी चाहिए कि समाज में और हर जगह हमारी इज्जत कायम रहे, हम भी एक इज्जतदार और एक अच्छे शहरी है, ये हम साबित करने की कोशिश करना चाहिए। तो बहरहाल आइए मादनापेट पीएस लिमिट में किस तरह का हंगामा हुआ वो हम आपको दिखा दें। एक साल से दो साल से बिल भी नहीं बन रहे, ये याकूतपुरा ओल्ड सिटी के पूरा बिला बहुत पेंडिंग है। हम वसूल करने के लिए गए तो ये हर बार एक आदमी ने, इससे पहले बहुत जनक भी मारने लगा ले, मारने मारते जा रहे। इसके लिए एक ही बात हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम छोटा नौकरी वाले हैं मगर ये एम्प्लॉय के ऊपर मारना बहुत है। ये हम एक एम्प्लॉय सर्विस करने के लिए आए मगर ये सर्विस करने के भी नहीं करने दे रहे उधर लोग, इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपल्सरी उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रीडर रजनीश नाम है, जो एक एसआरटी कॉलोनी में 364 मकान में गया, उनके मीटर का कुछ पैसे बाकी थे, उसके ऊपर एक ओल्ड एज लेडी थे उनके साथ मिसबिहेव किया है। तो जैसे ही इसकी इतला मिली वहाँ के नुमाइंदा कारपेटर जनाब शफाहत साहब वहाँ पहुँच के वो मीटर रीडर को जो मोहतरमा से मिसबिहेव करे उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया और मीटर रीडर को ये कहा कि आप आकर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर वो मीटर रीडर ने इस अंदाज से रूड बिहेव किया। तो उसके बाद में जैसे ही हुआ हमारे नुमाइंदा कारपेटर शफाज साहब ने पुलिस को इसकी इमीडिएट इतला दी। इतला देने के बाद में पुलिस ने न केस बुक करने के बजाय उल्टा मीटर रीडर आकर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर मिसबिहेव करे और मारे बल के झूठा इल्ज़ाम लगा के जैसे ही उन्हें कंप्लेंट दिया पुलिस ने शफात के ऊपर केस बुक किया। बुक करने के बाद पुलिस का जो रवैया था वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद रवैया था, जिसके लिए हमने ख़ास तौर से, तो जैसे ही शफात साहब ने कहा कि भाई वो जो लेडी है आप उसका कंप्लेंट क्यों नहीं लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ के मादन्ना पेट के उन्होंने ईजी ले लिया और नहीं लिया। उसके बाद में जो मीटर रीडर था उन्होंने कहा कि भाई हम धरना देंगे, बोले तो प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर के ऊपर शफात को यहाँ पर लेके आके प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। तो हम ख़ास तौर से आए हैं, हम आके गड़बड़ किए, जिसके बाद में हम जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धरना दिया है वो मीटर रीडर रजनीश के नाम पे FIR बुक हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो भी हकायक है हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए, अगर फर्ज करिए कसूरवार है तो सज़ा देना चाहिए। अब अगर यहाँ पर पुराने शहर में मीटर रीडर इस तरीके से बिहेवियर करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन,
किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियसिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता, टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207-4300-58।